आजकल एक सबसे बड़ा काम आजकल का कि ये आ गए हैं हल्दी के पत्ते। और आज के दिन हल्दी के पत्ते बहुत ही ज़्यादा खास माने जाते हैं, क्योंकि आरोही को यहाँ रास्ते में से गिफ्ट भी मिल गया है। क्या है गिफ्ट का नाम? गुड मॉर्निंग सभी दगड़ी होता है, प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ सब लोग मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज है यहाँ हमारे घर में दादाजी के श्राद्ध। तो आज झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया है, तो अब श्राद्ध के लिए जो चीज़ें बनती हैं वही बनानी है। पर उससे पहले मुझे नहाना है, तो मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद श्राद्ध के सभी पकवान बनाने हैं। मैं आ गई हूँ नहा के और अब मेरी तैयारी है खाना बनाने की। खाना तो रहे पर श्राद्ध के लिए जो भी पकवान बनते हैं उसे बनाने की तैयारी है। सब्जी वब्जी तो कट गई है, तो अब करती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, श्राद्ध के पकवान की तैयारी। ये है श्राद्ध का सबसे खास पकवान, यानी कि मिक्स वेज की सब्जी। और इस सब्जी की सबसे खास बात ये है कि इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि जब तक ये पितरों को नहीं चढ़ाया तब तक इसमें नमक नहीं डालते हैं। बिना नमक की सब्जी है ये। आगे है हमारे हल्दी के पत्ते भी। और श्राद्ध के दिन हल्दी के पत्ते सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि हल्दी के पत्तों में ही श्राद्ध के दिन पितरों को जो भी पकवान बनाया रहता है इसी में उनको चढ़ाया जाता है। अब कुछ दिन बाद सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आजकल एक सबसे बड़ा काम आजकल का कि सारे बेड के कपड़े निकालो और उनको धूप में सुखाओ, फिर उनको अंदर रखो। ये वाला काम सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस धूप में इतने सारे कपड़े धूप में डालना है, फिर उनको फोल्ड करके फिर अंदर ले जाना है। आजकल 2-3 दिन तक यही वाला काम रह गया है। तो आज मैंने भी सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं, अभी एक ही बेड के डाल रखे हैं। इतने सारे कपड़े डाल दिए हैं, तो आज एक छत पूरा हमारे एक बेड के कपड़ों से भर गया है। ये पूरा छत भर गया है, यानी कि एक दिन में सिर्फ एक ही बेड के कपड़े बाहर निकल पाएंगे। मैंने डाल रखी है मेहंदी भिगोने के लिए, डाल रही हूँ क्योंकि आज सासू जी के बालों पे लगानी है मेहंदी। और अब कुछ टाइम बाद ठंडा भी स्टार्ट हो जाता है, तो मेहंदी से बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है, इसलिए मैंने सोचा आज लगा देती हूँ। आरोही को यहाँ रास्ते में से गिफ्ट भी मिल गया है। क्या है गिफ्ट का नाम? ट्रेन। ट्रेन कर उसकी अनबॉक्सिंग। बना के दिखाते हैं। कितनी सारी पत्रियां हैं। मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रेन की कुछ पटरियां। कितनी सारी पटरियां। और ये क्या है? लाइट्स। देख लो ऐसा बनेगा टोटल, जो बाहर पे बना है ना वैसा बनाएंगे हम, टोटल वैसा बनेगा। ये लाइट्स में बीच में वो हाईवे के वो नहीं होते ऐसे लगाने की ट्रैफिक वगैरह वो है। तो
ये हो गए हैं गर्मियों के कपड़े पैक। गर्मियों के सारे कपड़े पैक कर दिए हैं मैंने, अपने वाले तो कर दिए हैं अब बाहर पे। सासू जी ने भी डाल रखे थे अपने कपड़े धूप में, तो अब उनकी साड़ियाँ फोल्ड करते हैं बाहर पे। अभी हम लोग आ रखे थे घूमने के लिए और यहाँ पे है शनिदेव का मंदिर, तो इसका रहता है शनिवार का व्रत, तो यहाँ पे पूजा हो रही है। जय हो शनिदेव। यहाँ पे जो ये बड़ी मंदिर है उसी के पीछे है इस शनिदेव की मंदिर भी, शनिदेव का मंदिर भी, और जंगल के बीचों बीच है मंदिर। यहाँ पे कुछ पौधे लग रखे हैं, तो दूर से देख के ऐसे लग रहे थे कि जैसे तोते बैठ रखे होंगे, पर ये ऐसे वाले प्लांट हैं। यहाँ पे आ गई है बहुत बड़ी भैंसों की लाइन, ये ऊपर से नीचे तक भैंस ही भैंस, और ये हैं जो गुज्जर लोग होते हैं उनके भैंस हैं ये, और ये शायद मिनी मसूरी से आ रखी। यहाँ आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।